हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ बेस्ट 5 स्मार्टफोन अंडर 10,000, जिसमें आपको मिलेगा 6 GB रैम, 128 GB स्टोरेज, 6000 mAh की बैटरी, 18 वोल्ट का फास्ट चार्जर और 50 MP का कैमरा और कोलकॉम और मीडियाटेक की गेमिंग प्रोसेसर। और बात करें इन फोनों में डिस्प्ले की, तो आपको 6.8 इंच की फुल HD+ डिस्प्ले विथ 90 Hz की रिफ्रेश रेट के साथ मिलेगी। और गाइज, आज की जो टॉप 5 स्मार्टफोन की लिस्ट है वो बहुत ही कमाल की है, और उनमें से 3 फोन तो ऐसे हैं कि आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा कि ऐसा भी हो सकता है, और कुछ फोन तो ऐसे हैं जो 2 या 3 वीक पहले ही लॉन्च हुए हैं। और दोस्तों, इन सभी फोन की प्राइस अंडर 10,000 है, और ऑफर वगैरह में 9,000, 9,500 या 8,500 के अंदर भी मिल सकते हैं। तो चलिए जानते हैं वो फोन कौन से हैं, तो वीडियो को कम्प्लीट जरूर देखते रहना। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला फोन निकल के आता है सैमसंग की तरफ से, सैमसंग गैलेक्सी M12। इस फोन की प्राइस दोस्तों 10,500 रुपये है, और अभी मैंने वीडियो बना रहा हूँ उसमें ऑफर में ये 9,350 रुपये के अंदर मिल रहा है। हालांकि प्राइस ऊपर नीचे होती रहती है, तो आप खरीदने से पहले एक बार जरूर देख लेना। बात करते हैं इस फोन के स्पेसिफिकेशन की, तो आपको 4 GB रैम, 64 GB रोम देखने को मिलता है। इस फोन के अंदर एक और वेरियंट है 6 GB, 128 GB, उसकी प्राइस इससे थोड़ी ज़्यादा है। बात करते हैं इसमें प्रोसेसर की, तो आपको एक्जिनोस का 850 ऑक्टा कोर का प्रोसेसर मिल जाता है, जो एक ठीक ठाक प्रोसेसर है। इसमें आप नॉर्मल गेमिंग कर सकते हो, गेमिंग फोन ये नहीं है। आप हाई लेवल की अगर गेमिंग करना चाहते हो तो ये फोन गेमिंग के लिए नहीं है। सोशल मीडिया चलाते हो, मल्टीमीडिया देखते हो, तो आपके लिए फोन बेस्ट है। बैक के अंदर आपको क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिलता है, 48 MP, 5 MP का अल्ट्रा वाइड, 2 MP और 2 MP। फ्रंट के अंदर बात करें तो आपको 8 MP का सेल्फी कैमरा मिल जाता है, जिससे सेल्फी है वो अच्छी खासी आ जाती है। डिस्प्ले की अगर बात करें तो आपको 6.5 इंच की HD डिस्प्ले मिल जाती है, इसी के साथ आपको 90 Hz की रिफ्रेश रेट मिल जाती है। बात करते हैं इसकी बैटरी की, तो आपको 6000 mAh की बैटरी, 15 वोल्ट का फास्ट चार्जर मिल जाता है। ऑल ओवर दोस्तों इस फोन की बात करें तो ये एक नॉर्मल यूजिंग फोन है, जिसमें आपको 6000 mAh की बैटरी मिलती है, 48 MP का बढ़िया कैमरा मिलता है, और डिस्प्ले भी अच्छी खासी मिल जाती है। तो इस फोन को आप, अगर आप गेमिंग वगैरह नहीं खेलते हो, तो इस फोन को आराम से ले सकते हो। ये फोन 10,000 के अंदर अंदर मिल जाएगा आपको। अगला फोन दोस्तों निकल के आता है मोटोरोला की तरफ से, Moto E40। इसकी प्राइस दोस्तों 10,000 रुपये, ऑफर वगैरह में आपको 9,000 के अंदर मिल जाएगा। और दोस्तों मैं आपको एक बार ही बता देता हूँ, ऑफर वगैरह में अगर आप लेते हो तो आपको 1,000 या 500 रुपये की छूट मिलती है, और कई कई बार दोस्तों इससे ज़्यादा भी छूट मिल जाती है। तो आप देख लेना, हर फोन में ऑफर चलते रहते हैं। आप फ्लिपकार्ट पे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ पे क्लिक करके अगर चेकआउट करोगे तो आपको पता चल जाएगा। इस फोन के अंदर आपको 6.5 इंच की HD+ IPS डिस्प्ले मिलती है, और साथ ही आपको 90 Hz की रिफ्रेश रेट मिल जाती है। बात करें इसमें प्रोसेसर की, तो आपको यूनिस्को T700 प्रोसेसर मिल जाता है। ये दोस्तों ठीक ठाक प्रोसेसर है, इस पर आप नॉर्मल गेमिंग कर सकते हो, BGMI वगैरह भी खेल सकते हो। बात करें इसके कैमरा की, तो आपको 48 MP, 2 MP और 2 MP ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलता है। फ्रंट में आपको पंच होल में 8 MP का सेल्फी कैमरा मिलता है, और इसी के साथ आपको 5000 mAh की बैटरी, 10 वोल्ट का चार्जर मिलता है। दोस्तों इसमें चार्जर है वो थोड़ा स्लो चार्जर होगा, क्योंकि 10 वोल्ट का चार्जर है, और 4 GB रैम, 64 GB स्टोरेज मिलेगी। ऑल ओवर दोस्तों जितने भी मैं आपको फ़ोन बता रहा हूँ, उनमें से जो भी आपको अच्छा लगे वही आप खरीदना, लेकिन एक बार ये वीडियो पूरा देख लेना ताकि आपको पता चल जाए। क्योंकि दोस्तों मैंने हर टाइप के फ़ोन पिक किए हैं, बेस्ट कैमरा गया, बेस्ट बैटरी, बेस्ट डिस्प्ले या बेस्ट गेमिंग फ़ोन। तो आप पूरा वीडियो डिटेल में देखोगे तभी आपको पता चलेगा कि आपके लिए फ़ोन कौन सा है। तो पहले पूरा वीडियो देख लीजिए, उनके बाद सेलेक्ट कर लीजिए, जो आपको लेना है वो ले लीजिए। अगला फोन गाइज इनफ्लिक्स की तरफ से निकल के आता है, इनफ्लिक्स Hot 10S। इस फोन की प्राइस 10,000 रुपये है, और इसमें गाइज आपको 4 GB, 64 GB रैम देखने को मिलती है। अगर आप 6 GB, 64 GB लेना चाहते हो तो भी आपको ऑफर में 10,000 रुपये के अंदर ये फ़ोन मिल जाएगा, और 4 GB, 64 GB वाला वेरियंट लेते हो तो आपको 9,000 रुपये के अंदर ऑफर में मिल रहा है अभी, जिस समय ये वीडियो बना रहा हूँ मैं। इस फोन के अंदर आपको दोस्तों मीडियाटेक का हेलियो G85 प्रोसेस मिल जाता है, जो बहुत ही अच्छा प्रोसेस है। इस फोन के अंदर आप बहुत ही अच्छी तरीके से गेमिंग कर सकते हो। अगर दोस्तों हम इस फोन के बैक में देखें, तो आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलता है, 48 MP, 2 MP और AI लेंस। फ्रंट में आपको 8 MP का सेल्फी कैमरा मिल जाता है, और इस प्राइस रेंज में आपको सभी फ़ोनों में 8 MP का कैमरा मिलता है, लेकिन एक फ़ोन ऐसा है जिसमें आपको 16 MP का कैमरा मिलेगा फ्रंट में, 16 MP का, जो दोस्तों अंडर 15,000 रुपये के अंदर भी बहुत ही कम फ़ोनों में देखने को मिलता है। और दोस्तों वो भी फ़ोन मैं इस वीडियो के अंदर बताऊंगा, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखते रहना। बात करें डिस्प्ले की, तो आपको 6.8 इंच की HD+ LCD IPS डिस्प्ले मिलती है, और इसी के साथ आपको 6000 mAh की बैटरी, 10 वोल्ट का चार्जर मिलता है, और ये 18 वोल्ट के फास्ट चार्जर को सपोर्ट करता है, तो एक अच्छी बात है।
ऑल ओवर इस फ़ोन के बारे में देखें दोस्तों आप, अगर आपको गेमिंग फ़ोन चाहिए और 6000 mAh की बैटरी चाहिए तो ये फ़ोन आप ले सकते हो, क्योंकि इसमें बैटरी भी बढ़िया है, कैमरा भी बढ़िया है और प्रोसेसर भी बढ़िया है। हालांकि इसमें थोड़ा LCD डिस्प्ले है तो व्यू एंगल वगैरह थोड़ा देखने में प्रॉब्लम हो सकती है। ऑल ओवर दोस्तों आप अच्छी खासी वीडियो देख सकते हो, ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर आप साइड से देखोगे तो आपको थोड़ा प्रॉब्लम आ सकता है। ऑल ओवर दोस्तों इस फ़ोन को हम ऑलराउंडर फ़ोन कह सकते हैं। आपकी क्या राय है दोस्तों इस फ़ोन को लेकर कमेंट में ज़रूर बताना। चलिए चलते हैं अगले फ़ोन की तरफ। अगला फ़ोन है दोस्तों Moto G22। इस फ़ोन की प्राइस 11,000 रुपये है, लेकिन ऑफर में आपको 10,000 के अंदर मिल जाएगा। और दोस्तों इस फ़ोन के अंदर बहुत ही कमाल के स्पेसिफिकेशन है, चलिए जानते हैं वो क्या क्या है। 4GB रैम, 64GB रोम देखने को मिलता है और ये एक ही वेरियंट में आता है, इसके अंदर 6GB या 128GB वाला नहीं आता है। इस फ़ोन के अंदर आपको MediaTek का Helio G37 प्रोसेसर मिल जाता है, जो एक ठीक ठाक प्रोसेसर है। बात करें दोस्तों इस फ़ोन के बैक में, तो आपको एक अगर आपको एक ख़तरनाक लुक वाला फ़ोन चाहिए, इसका लुक है यार बहुत ही कमाल का लुक है। आपको बैक में कोड कैमरा सेटअप देखने को मिलता है, 50 MP, 8 MP अल्ट्रा वाइड, 2 MP और 2 MP। अगर दोस्तों एक आपको लुक के लिए फ़ोन चाहिए तो दोस्तों आप इस फ़ोन को आंख बंद करके ले सकते हो, क्योंकि इस फ़ोन का अगर लुक देखें और इसकी प्राइस की बात करें तो आपको ये 20 से 25 हज़ार का ये फ़ोन लगेगा। लेकिन दोस्तों ये फ़ोन 10,000 के अंदर है और इसका लुक है वो पीछे से बहुत ही ख़तरनाक है। और दोस्तों इसमें कैमरा है वो भी अच्छा है, फ्रंट में आपको 16 MP का पंच होल कैमरा मिल जाता है। बात करें डिस्प्ले की, तो आपको 6.5 इंच की HD+ IPS LCD डिस्प्ले मिल जाती है विथ 90 Hz की रिफ्रेश रेट के साथ, और 5000 mAh की बैटरी, और इसी के साथ आपको 20W का फास्ट चार्जर मिल जाता है। ऑल ओवर दोस्तों Moto G22 फ़ोन की बात करें तो बहुत ही कमाल का फ़ोन है। लुक वाइज कैमरा इसमें बढ़िया है, बैटरी भी ठीक है, डिस्प्ले है और फ्रंट कैमरा। हालांकि दोस्तों इसमें प्रोसेसर है वो थोड़ा हल्का है, लेकिन आप इसमें नॉर्मल गेमिंग कर सकते हो और BGM वगैरह भी आप नॉर्मल खेल सकते हो, ज़्यादा गेम नहीं खेल सकते। इसमें लुक और कैमरा और इस फ़ोन के अंदर आपको डिस्प्ले भी अच्छी खासी मिल जाती है, तो ये फ़ोन भी आप देख सकते हो। लास्ट और फाइनल फ़ोन निकल के आता है दोस्तों इनफ्लिक्स की तरफ से, इनफ्लिक्स वोट 11S। ये भी फ़ोन दोस्तों बहुत ही कमाल का फ़ोन है, इसकी भी प्राइस दोस्तों 10,500 रुपये है और ये आपको 9,500 या 9,000 के अंदर ऑफर में मिल जाएगा आराम से। इसके अंदर आपको 4GB रैम, 64GB रोम देखने को मिलती है, MediaTek का Helio G88 प्रोसेसर मिल जाता है, जो बहुत ही कमाल का प्रोसेसर है। इसमें आप गेमिंग वगैरह आँख बंद करके मज़े से खेल सकते हो। बात करें इसके कैमरे की, तो आपको 50 MP, 2 MP और AI लेंस मिल जाता है। फ्रंट में आपको दोस्तों 8 MP का पंच होल में सेल्फी कैमरा मिल जाता है। डिस्प्ले की अगर बात करें तो दोस्तों इसमें आपको 6.7 इंच की फुल HD+ डिस्प्ले मिल जाती है, वो भी 90 Hz की रिफ्रेश रेट के साथ। और इस फ़ोन में बैटरी की बात करें तो आपको 5000 mAh की बैटरी, 18W का फास्ट चार्जर मिल जाता है। ऑल ओवर दोस्तों ये भी फ़ोन कम नहीं है, बहुत ही अच्छा फ़ोन है, क्योंकि इसमें आपको फुल HD+ डिस्प्ले, वो भी 90 Hz के साथ, और 18W का चार्जर, 50 MP कैमरा, MediaTek Helio G88 प्रोसेसर। ये भी दोस्तों गेमिंग फ़ोन कह सकते हो, इसमें बहुत ही अच्छा प्रोसेसर है और बैटरी भी बढ़िया है। तो दोस्तों ये थे आज के 5 बेस्ट स्मार्टफोन अंडर 10,000। और दोस्तों जो भी फ़ोन आपको अच्छा लगा या आप लेना चाहते हो तो उसका एक डिटेल में रिव्यू और देख लेना, क्योंकि दोस्तों मैंने आपको वीडियो में मोटा मोटे बताया जिसमें कैसे रैम है, कैसे इसका प्रोसेसर है। तो आप इसका डिटेल वीडियो अगर यूट्यूब पे देख लेते हो, अगर आपको लेना ही है कि मुझे ये लेना है, क्योंकि मैंने तो मोटा मोटी बताया कि ये गेमिंग फ़ोन है, ये कैमरा है, ये बैटरी के लिए है, डिटेल में जानना है तो आप वीडियो देख लीजिए, क्योंकि डिटेल में आप देखोगे तो आपको अच्छी तरीके से नॉलेज हो जाएगा कि ये फ़ोन मेरे लिए है या नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा है, वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कर देना, ऐसे ही वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पर सेलेक्ट जरूर कर लेना। धन्यवाद।